चले अब हम केस टू की तरफ बढ़ेंगे। केस टू क्या कहता है? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर बॉट दिस शेयर ऑफ गुडविल गुडविल एंड रिटेन इन बिजनेस, क्या लिखेंगे? एंड रिटेन इन बिजनेस। देखिए जी, नया पार्टनर आ रहा है और वो अपने शेयर की गुडविल लेकर आया है और वो क्या किया, रिटेन कर दी बिजनेस में, रिटेन कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें स्टेप क्या क्या है हमारे पास। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप वाइज चलेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले ढूंढिए, अगर आपके पास स्टेप पता है तो सबसे पहले ढूंढिए आपका स्टेप क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप जो है राइट ऑफ, क्या करेंगे, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन दी ओल्ड बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दिखे सबसे पहले चेक करो बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कहां पर बैलेंस शीट में, एसेट साइड में क्या गुडविल गिवन है। अगर गुडविल है तो एंट्री पास करो। ठीक है, क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगी, गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है जी, बताइए। लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और भी लिख देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास पार्टनर जो नए पुराने पार्टनर्स हैं वो कौन कौन है, ए और बी, तो क्या लिख देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू गुडविल अकाउंट। देखिए सबसे पहले समझने की बात क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या आया, चेक करो जी सबसे पहले गुडविल है, अगर है तो एंट्री पास करो। एंट्री क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर हमारे पास, हमें पता है ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दें, गेयरिंग रेशियो में बांट दें, किस में? नहीं, आपको याद रखना है ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर कट है, कोई डाउट? इस टू के अंदर हमारे पास स्टेप आ रहा है टू। स्टेप टू क्या कहता है, व्हेन द न्यू पार्टनर बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि जो नया पार्टनर है अपने शेयर की गुडविल लेकर आ रहा है और कैपिटल लेकर आ रहा है। देखें सारी चीजों की स्मृति बनाए रखिए जीवन में, अगर स्मृति बनी रहेगी तो सारी चीजें आसान रहेंगी। आपको याद होगा 11th में सबसे पहली एंट्री आती थी, क्या एंट्री होती थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखें वही एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या लिखते थे, टू कैपिटल अकाउंट, तो यहां लिख दो सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी कौन है, नया पार्टनर है, और यहां और करके भी लिख सकते हो टू न्यू और इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा ठीक लगे। ठीक है, फिर वो क्या लेकर आया, अपने शेयर का प्रीमियम लेकर आया, तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखें सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है, बच्चों की एंट्रीज क्लियर नहीं, और जिस बच्चे की एंट्रीज क्लियर है ना, योद्धा है वो, योद्धा। ठीक है, तो वही सिंपल 11th में एंट्री पड़ी थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब सी आ गया, नाम आ गया, पार्टनर्स हो गए, इसलिए सीज कैपिटल अकाउंट। और फिर अगर, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री हो गई।
फिर एक और एंट्री बना लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने मर्ज करके दिखा दिया, क्या दिक्कत आ रही है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या करते हैं, जो गुडविल का अमाउंट वो लेकर आया है वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसे ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो और उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारे पास, याद होगा लास्ट एंट्री में हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल कहां था, गोपी गोपी प्रीमियम फॉर गुडविल कहां था, कहां था भाई कोई बताए मुझे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहां था, क्रेडिट में, अब कहां आ जाएगा डेबिट में। तो क्या लिख देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्या लिखेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इन केस वो क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो क्या कर देंगे, करंट अकाउंट कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। जस्ट सपोज मैंने माना कि ए और बी क्या थे अपने, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो क्या लिख देंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या है टफ, क्या था इस केस में, कुछ भी नहीं है, बच्चे सिर्फ हॉच पॉच कर देते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझिए वो कह क्या रहा है। उसने कहा कि नया पार्टनर आया अपने शेयर की गुडविल लेकर आया, ठीक है जी, और अपनी कैपिटल लाया, ठीक है, कैपिटल साइलेंट है, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन अब वो अपने शेयर की गुडविल लाया और उसने क्या करा, उसको व्यापार व्यापार में लगा दिया, रिटेनिंग बिजनेस, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप याद रखना है, सबसे पहला स्टेप रिकैप करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि जो हमारे पास गुडविल थी, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में थी, पुरानी गुडविल, उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, खत्म हो गई। सेकंड एंट्री पे पढ़ते हैं, सेकंड स्टेप कह लो उसे, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू न्यूज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कह लो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, करेक्ट। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। ये किस रेशो में होगी एंट्री, देखें ध्यान रखना, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बटेगी, ध्यान रखना, करेक्ट। याद करिए, देखें स्टेप याद करिए, ज्यादा नहीं टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप समझते हैं कि बस देखा और हो गया, नहीं, बिल्कुल है, इजीली इस क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाह रहा है, अपनी जर्नल एंट्रीज बनाइए, एक दो क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज अच्छे से बनाइए कॉपी में, 3-4 क्वेश्चनों की, अपने आप फ्लुएंटली आप पास करना चालू कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।